यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस व गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौतस्कर के पैर में गोली लग गई और दूसरा गौतस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फरार दूसरे बदमाश की गिरफ्तारी के लिए काउंटिंग की जा रही। फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र का मामला। औंग क्षेत्र में छिवली नदी के किनारे गौ तस्करों से गौकसी करने वालों से थाना औंग और स्वार टीम प्रथम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश बहुत ही शातिर कबलू नाम का, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, उस पर ढेर सारे गौकसी करने के मुकदमे दर्ज हैं। एक्सप्लोसिव के, NDPS के दर्जनों मुकदमे हैं। कई बार जेल जा चुका है। उसके पैर में गोली लगी है और एक उसका साथी, उसने बताया है कि वो मेरा साला था, उस पर भी ढेर सारे मुकदमे हैं। वो अंधेरे का लाभ उठा करके नदी की तरफ फरार हो गया है। हालांकि काउंटिंग चल रही है अभी भी। एक बाइक, तमंचा, ढेर सारे कारतूस और गौकसी करने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। एक गाय हमको मिली है जिसको ये काटने जा रहे थे। ये जनपद पुलिस की एक उपलब्धि है। इस पूरी टीम को हमारी तरफ से नगद 20,000 रुपया, 25,000 रुपया का नगद इनाम भी दिया जा रहा है और निश्चित तौर पे जो फरार है उसको भी हम अरेस्ट करेंगे और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद।